हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एडवाइस एडिक्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स के बारे में, जो कि दिसंबर 2022 में सबसे ज़्यादा बिकी हैं। तो चलिए, बिना किसी समय को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन गाड़ियों के बारे में जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकी हैं पिछले महीने में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 10th पोजीशन, तो दोस्तों 10th पोजीशन पर आई है वैगनार, जिसकी लगभग 10,181 गाड़ियाँ भारत में बिकी हैं दिसंबर 2022 में। और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 5,47,000 रुपये से शुरू होकर 7,20,000 रुपये तक की ये गाड़ी आपको मिल जाती है। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो माइलेज लगभग 23 से 24 के आसपास आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, जो कि एआरए सर्टिफाइड माइलेज है। और पावर की अगर हम बात करें तो लगभग 88 BHP की आपको पावर मिलती है और 113 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है, जो 1.2 लीटर वाला इंजन है उसमें। दूसरा इंजन है जो 1 लीटर वाला, उसमें आपको लगभग 65 BHP की पावर मिलती है और 89 Nm का आपको टॉर्क मिलता है। तो बेसिकली क्या, जब दो बंदे जाते हैं तो कोई इतना पता लगता नहीं है, लेकिन हाँ, जब गाड़ी फुल होकर चलती है तो बिल्कुल फील होता है कि गाड़ी क्या है, थोड़ी अंडर पावर्ड है, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल फैमिली कार है और काफ़ी फैमिली वाले बंदे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए गाड़ी क्या है, काफ़ी अच्छी खासी बिक जाती है। उसके बाद 9th पोजीशन की अगर हम बात करें, 9th पोजीशन पर एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, जो कि हुंडई क्रेटा। लगभग 10,205 गाड़ियाँ ये बिकी हैं पूरे भारत में दिसंबर 2022 के महीने में। उसके बाद गाड़ी के इंजन ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको 1353 cc से लेकर 1497 cc तक आपको इसमें इंजन मिल जाता है। और माइलेज की अगर हम बात करें, लगभग 16 से लेकर 20 के आसपास आपको इस गाड़ी में माइलेज क्लेम किया जाता है। पेट्रोल में माइलेज कम मिलता है, डीजल में लगभग 18-20 के आसपास आपको ये दे देती है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंजन की पावर की, तो लगभग 113 से लेकर 138 BHP तक की आपको इस गाड़ी में पावर मिल जाती है। और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी गुड लुकिंग कार रहती है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस गाड़ी को लेना पसंद करते हैं। उसके बाद बात करें 8th पोजीशन की, तो 8th पोजीशन पर आई है मारुति ईको। दोस्तों, ईको बेसिकली क्या है, एक वैन टाइप गाड़ी है, जो कि मतलब आप प्राइवेट और टैक्सी यूज़ में भी ले सकते हैं, और दिल्ली में और NCR एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ियाँ दिखती रहती हैं। लगभग 10,581 गाड़ियाँ ये बिकी हैं और प्राइसिंग की बात करें लगभग 5,33,000 रुपये शुरू होकर 6,44,000 रुपये तक ये गाड़ी आपको मिल जाती है। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें आपको लगभग 18 से 19 kmpl की माइलेज मिल जाती है। अब ये गाड़ी CNG में भी आ गई है, तो CNG में लगभग 26 के आसपास ये माइलेज दे देती है। और पावर फिगर्स की अगर हम बात करें तो 70 से 79 bhp तक की आपको इस गाड़ी में पावर मिलती है, 95 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में ये गाड़ी अवेलेबल रहती है। उसके बाद बात करते हैं 7th पोजीशन की, तो 7th पोजीशन पर आई है माइक्रो SUV टाटा पंच, जिसकी लगभग 10,586 यूनिट्स बिकी हैं। और उस गाड़ी की प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 6 लाख रुपये से शुरू होकर 9,54,000 रुपये तक आपको ये गाड़ी मिल जाती है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है। और माइलेज की अगर बात करें तो 18 से 20 के आसपास ये गाड़ी आपको माइलेज दे देती है पेट्रोल में। और पावर फिगर्स की अगर बात करें, 85 bhp की आपको पावर मिल जाती है, 113 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी का जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, और गाड़ी में क्या है, बहुत ही अच्छी सेफ्टी भी आपको मिल जाती है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ ये गाड़ी आती है। इतने कम प्राइस में और कोई गाड़ी आपको इतनी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती जितनी टाटा पंच करती है, तो ये भी एक रीज़न है इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा सेल होने का। उसके बाद बात करते हैं 6th पोजीशन पे, तो 6th पोजीशन पे आई है मारुति की ब्रेजा, जिसकी लगभग 11,200 गाड़ियाँ बिकी हैं। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये गाड़ी लगभग 7,99,000 रुपये से शुरू होकर 13,96,000 रुपये तक आपको ये मिल जाती है। उसके बाद इंजन ऑप्शन की अगर हम बात करें, इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें लगभग 18 से 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। और पावर फिगर्स की बात कर लें तो लगभग 101 bhp की आपको पावर मिलती है, 136 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। बाकी ये गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी और गुड लुकिंग कार है, पहले ये डीजल इंजन में भी आती थी लेकिन अब ओनली पेट्रोल इंजन में ही आती है। और लुक्स गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं ब्रेजा के भी, जो भी लेटेस्ट वर्जन आया है इनका। तो दोस्तों, 5th पोजीशन की अगर बात करें तो 5th पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी डिजायर, इस गाड़ी की लगभग 11,997 यूनिट्स बिकी हैं। और प्राइसिंग की अगर हम इसकी बात कर ले तो लगभग 6,24,000 रुपये से लेकर 9,14,000 रुपये तक आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में मिल जाती है, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है गाड़ी, मतलब एक इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिलती है। और काफ़ी गाड़ी की जो लुक्स है वो भी बहुत अच्छी लगती है, एक लग्जरी टाइप गाड़ी देखने में लगती है, इसलिए जो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं और टैक्सी वाले लोग उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 76 bhp से लेकर 88 bhp तक की आपको पावर मिल जाती है। और माइलेज की अगर बात करें तो 23 से 24 kmpl का आपको गाड़ी माइलेज दे देती है, और गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। उसके बाद 4th पोजीशन की अगर हम बात करें तो 4th पोजीशन पर आई है टाटा नेक्सॉन, जो कि इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार, या कह सकते हैं इंडिया की फर्स्ट 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, जिसकी लगभग 12,053 यूनिट्स बिकी हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 7,70,000 रुपये से शुरू होकर 14,18,000 रुपये तक आपको एक्स शोरूम ये गाड़ी मिल जाती है। दोस्तों, जो भी मैं आपको प्राइजेस बता रहा हूँ, ये एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइजेस नहीं है। इंजन की अगर बात करें, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन में ये गाड़ी आती है। और माइलेज इस गाड़ी में आपको पेट्रोल में लगभग 17 के आसपास मिल जाता है और डीजल में लगभग 22-23 के आसपास आपको इस गाड़ी में माइलेज मिल जाता है। पावर फिगर्स की अगर बात करें तो लगभग 108 से लेकर 120 bhp तक की आपको इसमें पावर मिल जाती है, और लगभग 260
NM का आपको टॉर्क मिल जाता है। दोस्तों सबसे तगड़ा इस गाड़ी का टॉर्क है, 260 NM बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है। उसके बाद थर्ड पोजीशन की अगर हम बात करें तो थर्ड पोजीशन आई है स्विफ्ट। स्विफ्ट की लगभग 12,061 गाड़ियाँ बिकी हैं और इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 5,92,000 रुपये से शुरू होकर 8,85,000 रुपये तक आपको ये मिल जाती है। 1.2 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और CNG में भी ये गाड़ी अवेलेबल रहती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में लगभग 20 से 22 की माइलेज आपको मिल जाती है और CNG में लगभग 30 की आपको ये माइलेज पर केजी में ऑलमोस्ट निकाल के देती है अगर आप गाड़ी ठीक से चलाएं तो। पावर की बात करें तो 88 bhp आपको इस गाड़ी में मिल जाती है और 113 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। उसके बाद बात करें नंबर टू पोजीशन की तो नंबर टू पोजीशन पर मारुति अर्टिगा 12,273 गाड़ियाँ बिकी हैं इनकी और प्राइसिंग की बात करें 8,35,000 रुपये से शुरू होकर 1,79,000 एक्स शोरूम कीमतों पर आपको ये गाड़ी मिलती है। 1.5 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है और उसके बाद माइलेज की बात कर ले तो इसमें आपको पेट्रोल में 17 से 20 के आसपास क्लेम किया जाता है और CNG में 22 से लेकर 26 के आसपास आपको दे देती है। पावर की बात करें तो CNG में आपको 86 bhp मिल जाती है और पेट्रोल में आपको 101 bhp मिल जाती है और टॉर्क भी सेम ऐसे ही है, 121 NM का आपको CNG में मिलेगा और 136 NM का आपको पेट्रोल वाले ऑप्शन में मिलेगा। और दोस्तों बात करें नंबर वन पोजीशन की तो नंबर वन पोजीशन में बलिनो एक बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही लग्जरी लगती है गाड़ी देखने में कम बजट के सेगमेंट में। 16,932 गाड़ियाँ इन्होंने बेच दी हैं अपनी पूरे भारत में पिछले महीने। कीमतों की बात करें तो लगभग 6,49,000 रुपये शुरू होकर 9,71,000 तक आपको ये मिल जाती है एक्स शोरूम। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन इसके अंदर आपको दिया गया है जिसमें आपको लगभग 22 kmpl का माइलेज क्लेम किया गया है पेट्रोल में, CNG में 30 किलोमीटर पर kg का ये माइलेज आपको दे देती है। उसके बाद इंजन पावर की अगर हम बात करें तो लगभग 76 से लेकर 88 bhp तक आपको पावर मिल जाती है और 98 से लेकर 113 न्यूटन मीटर तक आपको टॉर्क मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 गाड़ियाँ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकी हैं पिछले महीने में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।